हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार आज बहुत ही दुख भरी खबर है कि अपने गांव के अंदर किसी जो डेयरी फार्म है वहां पर पशुपालक अंदर रखे हुए थे और किसी कारणवश आग लग गई। हो सकता है बिजली के तार से या फिर किसी अन्य तरह से तार से आग लगने के कारण। देख सकते हो यार पीछे कितने बड़ा बाड़ा था और उसमें ये गाय है जो ये बोल रहे हैं कि ये गाय का बच्चा होने वाला था शायद, और गर्भवती थी गाय। और वहाँ पर जो लोग खड़े वहाँ पर अभी काफ़ी सारे जो जिंदा बछड़े हैं तो वो जल गए हैं। तो आपको बताता हूँ, और बहुत ही दुख भरी खबर है और बहुत ही देख सकते हो आप कितनी दर्दनाक घटना हुई यार। इतना गर्मी के अंदर आग लगने से ये जानवर है जो जिंदा जल गए हैं। तो दोस्तों, आग वाली गाड़ी को भी फ़ोन करके बुलाया गया था, लेकिन हमारा गांव शहर से थोड़ा दूर होने के कारण गाड़ी जब तक पहुंची आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया था और इतना तबाही कर दिया दोस्तों कि पूरा ये जो आपको बाड़ा दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जल गया था। आग लगने का कारण दोस्तों यही था कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, तार है जो किसी की लापरवाही की वजह से हो सकता है कि वो तार शॉर्ट हो गए थे। देख सकते हो आप यार कितना दर्दनाक ये बछड़े हैं, जो कि काफ़ी सारे जानवरों को तो बाहर निकाल दिया गया था लेकिन ये बछड़े हैं जो बंदे के बंदे रह गए और आग के बीच इनकी मौत हो गई, जिंदा जल गए थे दोस्तों। चारों तरफ तार की जाली होने के कारण ये बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। वैसे तो काफ़ी सारी गायों को बाहर निकाल दिया गया था और उस तरफ एक गर्भवती गाय थी जिसको खोल तो दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये गर्भवती होने के कारण खड़ी नहीं हो पाई और यहाँ पर जिंदा जल गई थी। तो दोस्तों, पास में रखी ये दूध देने वाली बाइक थी ये भी काफ़ी जल चुकी है और इस तरफ देखेंगे एक टांका बना हुआ है। दोस्तों पानी की काफ़ी सारी किल्लत आने के कारण पानी टांके के अंदर बहुत ही कम बचा है, लेकिन दोस्तों पानी भी गिरा नहीं सकते थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था और पानी अगर गिराते तो हो सकता है कि करंट ज़्यादा फैलने की संभावना थी। इसलिए पानी को पहले डालने से पहले लोगों ने फ़ोन किया और बिजली को कट करवाया था।